ज़रूर चाहूँगी मेरी कॉलीग भी बोले। स्पीकर साहब, ये बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम। तो आप क्या ख्याल है, बाकी बिजनेस को अभी खत्म करें? नहीं, मैं आप चाहते हैं इतने फिर टाइम तो नहीं है। मुझे थोड़ा दो तीन पॉइंट्स है मेरे। बहुत पहली बात यह है कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड बहस इसमें तीन पॉइंट्स है मेरे बहुत पहली बात यह है कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड बहस इसमें होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जमहूरी मुस्तकबिल का सवाल है, तो वो आप फैसला करें कि इसको स्ट्रक्चर डिबेट कैसे देंगे। हम फुली इसको या तो कमिटी ऑफ द होल हाउस कन्वर्ट कर दें एट एनी स्टेज और इस पर बहस करें। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट पाकिस्तान की आवाज़ है, और अगर हम अपने दाएं बाएं देखते हैं, पंजाब की तरफ देखते हैं, तो वहाँ लाल लाल लहरा रहा है, कहीं सब सब्ज लहरा रहा है, कहीं सरफरोशी की तमन्ना हो रही है। तो हमें तुलबा की आवाज़ सुननी चाहिए। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद तुलबा की है। और ये जो हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के बाद जो ये यूनिवर्सिटीज़ में एक स्प्रेड हुआ है, उसमें तुलबा की आवाज़ और तालिबे इल्म का नंबर्स बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि तालिबे इल्म की आवाज़ किधर है? जनाब स्पीकर, इस वक्त ट्रेड यूनियंस लेबर की आवाज़ आपको सुनने में आएगी, आपको फार्मर्स की आवाज़ सुनने में आएगी, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टीचर्स की एसोसिएशंस हैं, उनकी आवाज़ सुनने में आएगी, वो सिंडिकेट में बैठते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिसर्स की आवाज, दो मिनट, आई हैव वन और टू पॉइंट्स। मेरे ख्याल में फिर हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी बिजनेस को मैंने वाइंड अप करना होगा। अच्छा, एक आप काफी डिस्कशन, मुझे अपनी रिकमेंडेशन दे दें कि आप, मेरे ख्याल में हाउस की एज ए होल कंसेंसस इस बात पे है कि इसको कमेटी में भेजा जाए। सही बात है स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने, पूरी डिस्कशन हो जाए तो मैं इसको हाउस के सामने रखता हूँ। स्पीकर साहब, मैं, मेरा प्रिविलेज है बहसियत मेंबर, आपने मुझे फ्लोर दिया। आपका प्रिविलेज तो माशाल्लाह दूसरों को भी प्रिविलेज है ना जी। तो कंप्लीट होने दे ना, ये तो अजीब बात है कि आपने सबको मौका दिया, मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दे। जब मैं इधर बहसियत एक औरत नहीं बात कर सकूंगी तो पीछे मेरे लोग, इसमें औरत की क्या बात? नहीं नहीं नहीं, बहसियत जनाब स्पीकर, आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। क्या इसमें क्लासेस बनी हुई है कि मिनिस्टर को पूरा सुनेंगे, ऑपोजिशन लीडर को पूरा सुनेंगे और एक प्राइवेट मेंबर को नहीं सुनेंगे? दिस इज नहीं स्पीकर साहब, मेरा प्रिविलेज है, आपका प्रिविलेज है, आपकी पार्टी बोल चुकी है, इट इज माय प्रिविलेज टू स्पीक। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप प्लीज। नहीं, मैं वाइंड अप नहीं करूंगी, आई विल नॉट स्पीक अंडर प्रोटेस्ट। वाइंड अप प्लीज, माय दिस इज माय डेमोक्रेटिक राइट टू स्पीक इन दिस हाउस। अगर मैं इस हाउस में नहीं, आपने मुझे फ्लोर दिया है, एक मिनट में वाइंड अप करें। नहीं, आपने मुझे फ्लोर दिया है, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं फिर हाउस के सामने यहाँ पर आप क्लास सिस्टम क्रिएट किया है। नहीं, ये क्या तरीका है, आप बोलती रहती है, फिर क्या मैं उस हाउस को नहीं चलाऊंगा कि बाकी? वन मिनट, एक मिनट में वाइंड अप करें, जस्ट वन मिनट प्लीज। नहीं, ये तरीका सही नहीं है, आई विल नॉट स्पीक। दिस हैपेंस टाइम एंड अगेन, क्लासेस नहीं है, हम इक्वल मेंबर्स हैं, हम सबका इक्वल वोट है, बैक बेंचर हो, फ्रंट बेंचर हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, मिनिस्टर हो।